गोरखपुर में बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,411 पहुंच गया है। इनमें से 19,672 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 328 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 411 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। बृहस्पतिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 13 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 6 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ, शाहपुर और रामगढ़ ताल में एक एक और राजघाट और कोतवाली थाना क्षेत्र में दो दो मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 9 नए मरीज मिले हैं। इनमें बांसगांव, कौड़ीराम, गोला, चरगावा, कुराबार, उरवा और खजनी में एक एक और पिपराइच में दो मरीज मिले हैं। इनके अलावा 10 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज़्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।